नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अशोकनगर, भाजपा द्वारा प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना के तहत चलाए जा रहे अभियान में विगत दिवस शाडोरा मंडल के सभी बूथों का सत्यापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लिए एक बैठक शाडोरा में आयोजित की गई। सत्यापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी ने कहा कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ विस्तारक अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी बूथों का डिजिटलाइजेशन करना और पार्टी की स्थिति को प्रत्येक बूथ पर मजबूत करना है, जिससे संगठन के ऐप पर बूथ स्तर तक की जानकारी पार्टी संगठन के पास उपलब्ध रहे। संगठन द्वारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है, जिससे कहीं भी किसी प्रकार से गलती और लापरवाही ना हो सके। और कहा कि दायित्ववान कार्यकर्ता बूथ पर पहुंचकर वास्तविक जानकारी का डेटा तैयार कर रहे हैं और पार्टी के लिए नए वोटर तलाश कर वोट प्रतिशत बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। भाजपा संगठन का लक्ष्य है कि देश और प्रदेश में कुल वोट में से कम 51% वोट हासिल करे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर संगठन की ओर से बूथ विस्तारक एक संचालक के रूप में पार्टी कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा गया है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी के साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय सिंह ठाकुर, शाडोरा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रघुवंशी, महामंत्री मुकेश शर्मा चारुंदा, आईटी सेल जिला प्रभारी संजय रघुवंशी, रामकृष्ण सिंह रघुवंशी मंडल, अतुल रघुवंशी, रेखा नामदेव, राकेश रघुवंशी, बलवीर सिंह, भूपेंद्र दुबे, इमरान मोहम्मद सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। करेंगे या परसों तक चलेंगे। हाँ मेरी बात है, इसलिए मैं आज पूरे मंडल के विस्तारकों के साथ बात कर रही हूँ। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।